जिस वेले कबीर जी का प्रताप उन्हां दा नाम बड़ा मशहूर सी दूर दूर तक देशां दशांतरां विखे फैल गया तां एक जलाहे ने कबीर जी पासों आके पुछया कि आप जी दी जलाहा जाती है, मेरी भी जलाहा जाती है, परंतु मैनू कोई पुछदा ही नहीं ते आप जी दा प्रताप बहुत हो रहा है, इस दा कारण की है। कबीर जी ने कहा, सुनना चाहुंना है या देखना चाहुंना है? जलाहे ने कहा, अखां नाल विखा दिओ तां बहुत चंगा होएगा, मन नूं शांति निश्चय मिल जाएगा। उस वेले उस दे बैठिया बैठिया कबीर जी ने अपनी सुपत्नी लोई नूं सद के कहा, हे लोई, फलानी जगह ते जाके उत्थों दी मिट्टी पुट के लिया। लोई ने कहा, सत बचन जी। उसे वेले एक रंबा ते टोकरी लै के बाहर मिट्टी पुट्टन चली गई, लिया के अपने स्वामी जी दे अगे रख दित्ती। कबीर जी ने देख के कहा, हुण इस मिट्टी नूं कुट के चंगी तरह बरीक करके कपड़ छाण कर दे। लोई ने सत बचन कह के वह मिट्टी कपड़ छाण कर दित्ती। फिर कबीर जी ने कहा, हुण मिट्टी नूं गुन्न के इस दे दीवे बना के सुका दे, विच घिओ बत्ती पा के जिस जगह तो मिट्टी पुट के लियांदी सी उसे जगह पर जाके दीवा जलाया। लोई ने सत बचन कह के सारा काम पूरा कर दिता। जिस वेले दीवा जगा के उत्थे रख के वापस आई तो कबीर जी नूं मत्था टेक के आखदी है, स्वामी जी होर हुक्म करो। तां कबीर जी ने कहा, बस तेरी घाल परमात्मा सफल करेगा। फिर कबीर जी ने उस जलाहे नूं कहा, भाई इस वजह करके मेरा प्रताप दुनिया विच हो रहा है। जलाहे ने कहा, यह तो बड़ा सौखा काम है, तो मैं भी कर सकता हाँ। इतनी गल आ के चला गया तो अपने घर आ के अपनी स्त्री नूं कहिंदा, अरी जलाही। उसने अगों कहा, माहौर बोलो। जलाहे ने कहा, जल्दी आ, एक बहुत जरूरी काम है। जिस वेले वह आई तो जलाहे ने कहा, बाहरों जाके ये जगह तो मिट्टी पट के लिया। जलाही ने आख्या, तैनूं शर्म नहीं आउंदी? कदे स्त्रियां भी बाहर मिट्टी लैन गईयां ने? ये मर्दां दा काम है, तू आप जाके मिट्टी पट के लिया, औरत जावे ना। पर उसनूं मार कुट के फिर भेज दिता, धक्के नाल भेज दिता। मिट्टी पुट के जद लियाई तो उसने भगा मारी, अगे सुट दिती। जलाहे ने कहा, हुण इस मिट्टी नूं कुट के कपड़ छाण कर दे। औरत ने कहा, लियांदी मैं, कपड़ छाण तूं कर। जलाहा कहे, तूं कर। मार कुट के बदो बदी कपड़ छाण करवा ली उस जलाहे ने। फिर जलाहे ने कहा, इस विच घिओ पा के इसनूं गोह दे, जीवे बना दे इस दे। यह गल सुन के जलाही ने विचारिया, मेरा पति किते कमला तां नहीं हो गया, कदे मिट्टी विच किसी ने घिओ पाया? जुलाहा बार बार कही जाए, घिओ पा घिओ पा। औरत ने हाल पारियां पा दिता, रौला पा दिता, सारे लोग इकट्ठे हो गए, भूत कढ़न वाले नूं भी बुला लिया। उस वेले उसने आके लाल मिर्चां दा तोबरा मूँह ते चढ़ा दिता। इतने नूं कबीर जी उत्थों लंघ रहे सन, बहुत सारा इकट्ठ दे के रुक गए। पुछया, की कारण है? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਘਿਓ ਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਔਰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਔਰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੰਸਾ ਨਾਲ ਟੀਹਰੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਦੌੜੀ, ਗਿੱਦੜ ਦਾਖਨਾ ਅਪੜੈ ਆਖੈ ਥੂਕੌੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।